हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेल्स पाल्सी क्या होता है। आपके चेहरे का एक हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाना बेल्स पाल्सी होता है। हमारी जो फेशियल मसल्स है, हमारे चेहरे की मांसपेशियां, उनका हम पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, जिस वजह से हमारी मांसपेशियां कमजोर हो पड़ती है और इसके साथ साथ मांसपेशियों की पैरालिसिस हो जाती है। अब ये हमारी जो नस है, यानी कि हमारी फेशियल नर्व, हमारे जो क्रेनियल नर्व्स है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है हमारी बॉडी में, उनमें जो हमारी 7th क्रेनियल नर्व होती है, यानी कि फेशियल नर्व, ये हमारे फेस की और हमारे कान की काफ़ी सारी मांसपेशियों को कंट्रोल करती है। अगर किसी कारण से इसकी इंजरी होती है, इसका डैमेज होता है, जिसकी वजह से हमारी जो मांसपेशियाँ है हमारे चेहरे की, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, इसके कारण फेस का पैरालिसिस हो जाता है, जिसको हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। तो बेल्स पाल्सी में हमारी जो मांसपेशियाँ है, हमारे चेहरे की जो मांसपेशियाँ है, उसमें कमजोरी आने लगती है और उसका पैरालिसिस हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट का फेस का मूवमेंट, फेस के एक्सप्रेशंस, आईज का मूवमेंट, माउथ का मूवमेंट, वो सब रुक जाता है और इनमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से जो मांसपेशियाँ, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है और वो कंप्रेस हो जाती है। अब बेल्स पाल्सी सबसे ज़्यादा किन कारणों की वजह से वैसे होती है? तो ये एक तरह की सडन बीमारी, यानी एकदम से देखने को मिलती है, लंबे समय की नहीं होती है, ये शुरुआत में ही इसका पता चल जाता है। ये नॉन सपुरेटिव है, यानी इसमें पस नहीं बढ़ता है, यानी कि इन्फेक्शन नहीं होता है इसमें। इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारी फेशियल नर्व का, यानी कि हमारी जो क्रेनियल नर्व्स है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, उसमें से होती है फेशियल नर्व 7th क्रेनियल नर्व, ये हमारी फेस की और हमारे कान की जितनी भी आसपास की मांसपेशियां, उसको कंट्रोल करती है। जब कोई भी इंजरी की वजह से, डैमेज की वजह से, ट्रॉमा की वजह से इस क्रेनियल नर्व की, यानी जो फेशियल नर्व है, 7th क्रेनियल नर्व, इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। यह इन्फ्लामेशन खास तौर पर स्टाइलोमिस्टॉइड फोरामेन से ऊपर देखने को मिलता है, वहां से हमारी फेशियल नर्व निकलती है। जैसे आप ये पिंच्ड एरिया देख रहे हो, ये हमारा स्टाइलोमिस्टॉइड फोरामेन का एरिया, यहाँ से हमारी फेशियल नर्व निकलती है और इसकी ब्रांचेस जाती है। तो जब यहाँ पर दब जाती है नस, या इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, कोई भी इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, जिस वजह से ये हमारे फेस को जब सप्लाई करती है तो इतने अच्छे से सप्लाई नहीं कर पाती है और जो चेहरे की जो मांसपेशियाँ है वो कमज़ोर होने पड़ती है और इनकी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इसमें पेशेंट का मूवमेंट जो होता है फेस का, फेस के जो एक्सप्रेशन है, वो सब खत्म हो जाते हैं। अब बेल्स पाल्सी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जिन्होंने बताया था, जो सर्जन थे जिन्होंने बताया था कि इस कंडीशन में जो फेशियल नर्व है वो इन्वॉल्व होती है, तो उनका नाम है चार्ल्स बेल, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया है बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी है ये एक तरह की लो मोटर न्यूरॉन दिक्कत है, यानी लो मोटर न्यूरॉन जो नसें, हमारी जो सिग्नल है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, हमारी हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, यानी हमारे रीढ़ की हड्डी से हमारे पूरे बॉडी में तक जो मूवमेंट आते हैं, जो भी मूवमेंट और जो भी काम होता है, वो लो मोटर न्यूरॉन का होता है, यानी रीढ़ की हड्डी से लेके हमारे पूरे बॉडी में। तो अगर जब ये दिक्कत आती है बेल्स पाल्सी की, तो ये हमारी लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप की दिक्कत है, यानी लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप का फेशियल पैरालिसिस है। तो बेल्स पाल्सी में हमारी जो एक साइड की फेस है उसकी कमजोरी हो जाती है, उनकी मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और पैरालिसिस हो जाता है। जो जो मांसपेशियां फेस की पैरालाइज होती है वो ये है, जैसे फ्रंटालिस मसल जो यहाँ पाई जाती है, आप डायग्राम में देख सकते हैं ये मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है, कॉरिगेटर सुपरफिशियलिस मसल जो हमारे फोरहेड पर रिंकलिंग का काम करती है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलर मसल जो हमारी आंखों को बंद करने का काम करती है, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल जो सीटी बजाने में काम करती है मांसपेशी, बकाइनेटर मसल जो हमारे, जब हम अपने माउथ को फुलाते हैं, जैसे हम गुब्बारा फुला रहे हैं, डायलेटर ऑफ द माउथ जिसमें हम ई करके दांत दिखाते हैं अपना, प्लेटिज्मा मसल जिसमें आप अपने जो जबड़े हैं, जो हमारा चिन्ह है उसको
आगे पीछे मूवमेंट करते हैं, राइजोरियस मसल जिसमें हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन को हंसते हैं, हंसने वाला देते हैं, प्रेशर वाला देते हैं। तो ये जो इतने भी मांसपेशियां है, जब बेल्स पाल्सी होती है, जब फेशियल नर्व, जो फेशियल नर्व हमारे फेस पे आ रही है इसकी जो ब्रांचेस, जब में जब वो स्टाइलोमिस्टॉइड फोरामेन के वहाँ पर फेशियल नर्व दब जाती है, इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो हमारे फेशियल मसल्स जो ये जितनी भी सारी फेशियल मसल्स है इनमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब जब फेशियल मसल्स की दिक्कत आती है, फेशियल वीकनेस होती है, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं इसमें? पेशेंट का जो है आई है वो ड्रॉप हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है, कभी बहुत ज़्यादा सूख जाती है आँखें, आई ड्रॉप हो जाती है। उसके साथ साथ पेशेंट का जो भी फेशियल मूवमेंट्स है, हंसना, दांत दिखाना, गुस्सा करना, चीक्स दिखाना, या फिर हंसना, स्माइलिंग, लाफ्टर, जितने भी मूवमेंट्स है वो सब, जितने भी एक्सप्रेशंस है फेस के, वो सब रुक जाते हैं, वो मूवमेंट्स, वो एक्सप्रेशंस नहीं आ पाते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट को ड्रॉप ड्रूलिंग हो जाती है, मुंह में से सलाइवा बहुत ज़्यादा गिरता है, पेशेंट का कंट्रोल नहीं हो पाता, सेंस की पता नहीं चलता, पेशेंट को खाने का, सूखने का पता नहीं चलता है, पेशेंट का बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है आँखों में। उसके साथ साथ पेशेंट को एक तरफ नाक में दर्द होने लगता है, कमजोरी आ जाती है, पेशेंट का जितना भी मूवमेंट है वो सब फेशियल मूवमेंट्स रुक जाता है, आँख बंद करना, आँख खोलना, ये सब भी मूवमेंट्स रुक जाते हैं। उसके साथ ही साथ बेल्स पाल्सी वैसे एक तरह के सेवियर क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है, टेम्पररी है, आप एक्सरसाइजेस से, प्रॉपर ट्रीटमेंट से इसको ठीक कर सकते हैं, इनको वापस रिकवर कर सकते हैं, कुछ हफ्तों में ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है। और बेल्स पाल्सी सबसे ज़्यादा 16 से 60 की उम्र के लोग में बीच में देखने को मिलती है। बेल्स पाल्सी का वैसे कोई सटीक कारण तो अभी तक नहीं मिला है, कोई ऐसे खास कारण नहीं है, पर हाँ इन्फेक्शन या फिर कोई भी आप ज़्यादा हवा, तेज़ हवा में आपका चेहरे को रख लिया, या तेज़ हवा में आप अपनी मोटरसाइकिल लेके या बाइक लेके, एक्टिवा लेके आप बहुत ज़्यादा चल गए हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपकी चेहरे पे धूल मिट्टी आ गई है, या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो गया, तो इन कारणों की, बहुत कारणों की वजह से हो सकता है, पर ऐसे सटीक कारण नहीं पता है। तो ये हमने बात करी थी बेल्स पाल्सी के बारे में। बेल्स पाल्सी एक तरह का लोअर मोटर न्यूरॉन है, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप की पाल्सी है, और उसके साथ ही साथ इसमें फेशियल नर्व है हमारी स्टाइलोमिस्टॉइड फोरामेन, वहाँ से निकलती है, वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है, पिंच हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, जिस वजह से ये जब फेशियल नर्व हमारे चेहरे पे सप्लाई करती है तो हमारे चेहरे की मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है, पैरालिसिस हो जाता है। ये एक तरह की ही फेस को डैमेज करती है, दोनों तरफ डैमेज नहीं करती, तो एक तरफ ही फेस का पैरालिसिस जब होता है वो बेल्स पाल्सी होता है, जिसमें पेशेंट की जितनी भी दिमाग से लेके एक तरह की जितनी भी माउथ तक की जो भी दिक्कत होती है वो सब देखने को मिलती है, आँखों में, मुंह में, चबाने में दिक्कत आती है, पेशेंट को खाना निगलने में दिक्कत आती है। तो ये सब बात की हमने बेल्स पाल्सी के बारे में।